हेलो गाइज, आप सभी का दोबारा से गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों और मेरे भाई और बहनों, आप सभी के लिए एक और नई भर्ती आ चुकी है हरियाणा के अंदर। अगर कोई भी हरियाणा में कंडक्टर लगना चाहता है रोडवेज की बसों के अंदर, तो 1190 प्लस पदों पर यह भर्ती आ चुकी है। हरियाणा के अंदर कंडक्टर की जितनी भी नई बसें आई है, जितने भी कंडक्टर लगने वाले हैं, सबका अनाउंसमेंट हो चुका है। मेरिट बेस पर सिलेक्शन होगा। कंडक्टर की भर्ती के लिए किस प्रकार से सिलेक्शन दिया जाएगा, बड़ा ऐलान हुआ है। अभी अभी एक नया अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आया और पूरा हम आपको A to Z जानकारी के साथ में बताएंगे। अगर मेरे भाई और बहन कोई भी आज हमारे चैनल पर पहली बार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि भविष्य के अंदर कोई भी रिक्रूटमेंट आती है, कोई भी कंडक्टर की भर्ती आती है, कोई भी रोडवेज में किसी प्रकार की हेल्पर की भर्ती आती है, सबसे पहले सबसे फास्ट आपको इंक्वायरी देखने को मिलेगी, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जो भी अपडेट्स आएंगे कंटिन्यू आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी के अभी सारे भाई और बहन जो भी नए आए हैं, सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। 1190 प्लस पदों पर हरियाणा के अंदर रोडवेज विभाग की जो बसें होंगी उसमें कंडक्टर की पोस्टों का अपडेट आ चुका है, जिसके अंदर सभी जल्द से जल्द नौकरी पा सकते हैं। उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपका एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं चाहिए, उसमें मैं पूरा आपको डिटेल से बताऊंगा। आपकी एज क्या चाहिए, फॉर्म कब से ऑनलाइन होगा, किस प्रकार से यह भर्ती हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत पूरी करवाई जाएगी या किस प्रकार से डिपो के तहत पूरी होगी, तो आपको जो भी जानकारी आई है पूरी हम डिटेल से बताएंगे ऑफिशियल अपडेट दिखाते हुए। तो उससे पहले सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। साथ में मेरे भाई और बहन, आपको पूरी वीडियो देखने के बाद आपके मन में कुछ भी डाउट्स होते हैं, आपको कुछ भी पूछना हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप अपनी मर्जी से टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर हमारे ऑल स्टूडेंट भी ऐड है, जाके वहां पर आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर जो भी अपडेट्स आते हैं कंटिन्यू आपको देखने को मिलते रहते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट भी होने वाला है, क्योंकि करंटली जो भी अपडेट्स आएंगे टेलीग्राम ग्रुप में आपको तुरंत देखने को मिल जाएंगे। साथ में अभी तक जो भी भाई और बहन नए आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आइए मैं आपको ऑफिशियल अपडेट दिखाता हूं, किस प्रकार की 1190 प्लस पदों पर कंडक्टर की भर्ती आई है उसके बारे में पूरा डिस्कस करते हुए बताएंगे। वीडियो पर कंटिन्यू बने रहें। ओके मेरे सभी भाई और बहनों को बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा, ये अपडेट किसी भी यूट्यूबर ने आज से पहले आपको नहीं बताया होगा। सबसे पहले जो भी अपडेट्स लेकर आते हैं गवर्नमेंट जॉब्स वाले, 100% रियल जानकारी के साथ में आपके बीच में हाजिर होते हैं, जिसका विषय क्या रहने वाला आपने देख लिया होगा। परिवहन निगम के बेड़े में नई बसें शामिल किए जाने के उपरांत परिचालकों की कमी के मद्देनजर 1190 परिचालक हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भर्ती किए जाने के संबंध में ये लेटर लिख दिया गया है। ये लेटर कब लिखा गया आपको पूरा डिटेल से बताएंगे। ये इसमें पूरी कहानी लिख रखी है, लेटर में आपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर चुका हूं, दोबारा से भी कर दूंगा, आप बिल्कुल डिटेल से पढ़ भी लेना। आज का लेटर है आप सभी के सामने कि दो जो आपके सामने डेट भी लिख रखी है, 10 अप्रैल का लेटर रहने वाला है, जिसके अंदर चंडीगढ़ जो परिवहन है वहां के भी सिग्नेचर है, चंडीगढ़ अपने राज्य जो परिवहन है वहां के भी सिग्नेचर है, सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है। लेटर का क्रमांक आप सभी के सामने है। तो इस लेटर में क्या लिखा हुआ है कि जो 1190 जो कैंडिडेट आपके कंडक्टर वगैरह की जो भर्ती होने वाली है, इसमें सारी चीजें ये लिखा गया है कि कितने कंडक्टर होंगे, कितने परिचालक होंगे, कितनों की आवश्यकता है, कितनों को नौकरी करवाई जाएगी, किसको रिटायरमेंट मिलने वाला है, इस विषय में पूरा लिखा गया है। तो इसमें आखिरी में निकल कर आता है कि 1190 जो परिचालक हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से उपलब्ध करवाने के अनुरोध किया गया है, कि इसलिए पुनः अनुरोध है कि उपरोक्त परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए 1190 जो परिचालक हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से उपलब्ध कराने की स्वीकृति अधि कष्ट करें। इसमें लिखा गया है कि उपरोक्त में जो भी 1190 जो परिचालक की जो पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं उसको जल्द से जल्द भरा जाए, कंडक्टर की भर्ती को जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए, जिसमें ड्राइवर की पोस्टें भी है, कंडक्टर की भी है और हेल्पर की पोस्टें इसमें इंक्लूड नहीं करी गई है। हेल्पर की जब भी पोस्टें आएंगी तो आपको बता दी जाएगी, क्योंकि जो नई बसें आई हैं हरियाणा के अंदर उसको देखते हुए परिचालकों की जो शॉर्ट लिस्टिंग है बहुत ही ज्यादा हो चुकी है। हरियाणा के अंदर 6000 प्लस जो है बसें नई आ चुकी हैं, 6000 जो नई बसें हो जाएंगी, तो परिचालक और जो चालक होते हैं वो बहुत ही कम संख्या में 1190 जो कैंडिडेट हैं वो कम पड़ेंगे। उसको देखते हुए ये विषय में लिखा गया है हरियाणा रोडवेज के विभाग के थ्रू कि इसमें जल्द से जल्द भर्ती करवाई जाए, जो भी नई बसें हैं उसके अंदर रोडवेज विभाग के अंदर जो भी कंडक्टर की कमी है उसको पूरा करवाया जाए। तो इस महीने के एंड तक मैं आप सभी को बताना चाहूंगा ये भर्ती हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत स्टार्ट होने वाली है। जिसके पास में भी कंडक्टरी का लाइसेंस नहीं है, मात्र 7 दिन की आपकी जो क्लास लगती है,
सात दिन की कौन सी क्लास हो जीती है वो आप सभी को पता है, रेड क्रॉस सोसाइटी के अंदर जो आपकी क्लासेस चलती हैं, जो फर्स्ट एड वगैरह की क्लासेस बोलते हैं आप सभी, उसको आपको करनी पड़ेंगी। सात दिन की क्लास में मात्र आपको 10 से 15 दिन में आपका कंडक्टर का लाइसेंस बन जाएगा। जिसके पास में भी कंडक्टर का लाइसेंस नहीं है, मात्र 10 से 15 दिन में वो बनवा सकता है। इस महीने के एंड तक जब भी कंडक्टर की भर्ती आएगी तब अपना रिक्रूटमेंट के हिसाब से फॉर्म लगा लेना। 110% आपको सिलेक्शन देखने मिलेगा। इससे बड़ी भर्ती हरियाणा के अंदर बाद में नहीं आने वाली। जो भी कंडक्टर लगने चाहते हैं बिल्कुल आराम से लग सकते हैं, क्योंकि इसके बाद में जो भी नई बसें आएंगी तभी 5 10 15 20 पोस्टों पर भर्ती होया करेगी। क्योंकि जो भी भर्तियां बंपर वैकेंसी आ रही है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत, क्योंकि हरियाणा कौशल रोजगार अभी स्टार्ट हुआ है मेरे भाई गुरु, क्योंकि इनके अंदर जितने भी पोस्टें खाली हैं सभी को भर दिया जाएगा। तो आगे पोस्टें आपको पता है, कोई रिटायरमेंट होगा तभी पोस्टें आएंगी, जो नई बसें आएंगी तभी पोस्टें आएंगी। वैसे कोई छोड़ता नहीं नौकरी को, तो उसको मद्देनजर देखते हुए सारे के सारे भाई गुरु अभी आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई अभी लग सकता है तो बिल्कुल आराम से अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना। 1190 पोस्ट है, कंडक्टर की आ चुकी है, बिल्कुल डिटेल से पूरी जानकारी आपको समझ में आ रही होंगी और ये बहुत ही जल्द आपको भर्ती शुरू होती नजर आएगी। इस महीने के एंड तक ये भर्ती आपको शुरू हो जाएगी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत ये फॉर्म अप्लाई करवाए जाएंगे। तो आपको जो भी जानकारी आती रहती है, जो भी लेटर आते हैं, सीधी आपको गवर्नमेंट जॉब्स वाले आपके बीच में शेयर करते हैं। मेरे भाई गुरुबान एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो भी जानकारी आएगी 100% आपके साथ में शेयर कर दी जाती है। तो अभी के अभी जो भी अपडेट्स आएंगे, सारे के सारे जो भी नए आएंगे तुरंत आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी के अभी सारे भाई गुरुबान चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और कोरोना जब भी बढ़ता जा रहा है हरियाणा के साथ साथ बाकी स्टेट्स के अंदर भी कोरोना बढ़ता जा रहा है, हेल्थ विभाग को लेकर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट्स है, सभी हेल्थ विभाग को लेकर बहुत ही अलर्ट हो चुकी है। दोबारा से आपने देख लिया होगा जितने भी हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर भर्तियां खाली पड़ी हैं सबको मेरिट बेस पर सिलेक्शन दिया जा रहा है। उसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी पेपर नहीं हो रहा है। तो आपको बहुत ही सुबह एक वीडियो मैंने डाला था हेल्थ विभाग के अंदर, उसको देख सकते हैं। 1600 पोस्टों के ऊपर भर्ती है, लगभग 1600 पोस्टों की, उसके अंदर मेरिट बेस पर सिलेक्शन है। जो भी भाई और बहन लगना चाहता है बिल्कुल डिटेल से अपना फॉर्म भर सकता है। हरियाणा के गाँव के अंदर जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी पशु हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी मनुष्य के जो हॉस्पिटल्स होते हैं कोरोना के बढ़ते टाइम में, सब में जीएनएम एएनएम जितनी भी मेरी बहने कर रखी है जिसने भी, और जो भी बीएससी करता है, जो भी मेडिकल लाइन से, उनकी भी पोस्टें आ रखी हैं। तो हर टाइप की जो भी मेडिकल पोस्टें होती हैं सब आ रखी हैं। तो सब अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हरियाणा में तब भी फॉर्म आएगा, सबसे पहले आपको जानकारी दी जाएगी। तो जो भी मेरे भाई गुरु बहन नए आए हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इस महीने में आपको बहुत ही ज़्यादा वैकेंसियाँ देखने को मिलेगी। कंडक्टर की पोस्टें आ रही हैं, कहीं हेल्थ विभाग को अलर्ट कर दिया गया है कि हेल्थ विभाग के अंदर एक ही पोस्ट खाली नहीं रहनी चाहिए। हरियाणा सरकार ने भी इसके ऊपर अलर्ट कर दिया है, तो उसको रखते हुए हर डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसियों को फुल किया जाएगा। तो आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल आराम से अपना फॉर्म अप्लाई कीजिए, मेरिट बेस पर सिलेक्शन मिलेगा। और किसी भी टाइप का कुछ भी अपडेट्स आता है बिल्कुल आपको जानकारी दे दी जाती है। फिर भी आपको कोई भी डाउट्स होते हैं तो मुझे आप टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपको भी एक से डेढ़ महीने में जॉब मिल जाएगी। क्योंकि हमारे जो यूट्यूब से बच्चे आज के दिन हजारों की संख्या में बच्चे आज के दिन नौकरी पर लग चुके हैं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई डीसी रेट जॉब पर लग गया, कोई कंडक्टर लगा हुआ है, कोई ड्राइवर लगा हुआ है, कोई दिल्ली के अंदर किसी विभाग में लग गया, कोई चंदी के अंदर लग गया। अगर आपको भी जॉब्स की रिक्रूटमेंट है तो जो भी अपडेट्स आएंगे कंटिन्यू आपको बताए जाएंगे। ये वीडियो आपको किस प्रकार से लगा, जो ये लेटर आया है हरियाणा सरकार का, हरियाणा के कौशल रोजगार निगम के तहत भर्ती करवाने का, 1190 जो कंडक्टर है, ये लेटर मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहां से आप पूरा डिटेल से पढ़ भी लेना। और किसी भी टाइप का कोई भी डाउट्स होता है तो मुझे दोबारा से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, मुझे आप टेलीग्राम पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, सभी ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा सभी भाई गुरु वीडियो को लाइक कर लो, जो भी नए आए सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जो भी अपडेट्स आएंगे कंटिन्यू आपको इसी टैब से देखने को मिलते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना मेरे भाई, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। अगली वीडियो आपको हेल्थ विभाग के अंदर बहुत ही वैकेंसी आ चुकी है हरियाणा के अंदर, सारी अपडेट्स आपके बीच में हम तुरंत शेयर करते रहेंगे। तो भाई और बहनों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।